चैनल तो देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो इस वक्त असी पिंड कीर्तनगढ़ जिहड़ा कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर दे विच पैंदा पिंड है, असी उह पिंड दे विच उत्थों दे मौजूदा सरपंच श्रीमती बलविंदर कौर जी, वाइफ ऑफ सरदार वीर सिंह जी, उन्हां दे निवास थां ते उन्हां दे नाल मौजूद हाँ। तो साढ़े नाल पंचायत मैंबर सरदार लखविंदर सिंह जी, सरदार प्रगट सिंह जी, सरदार वरिंदर सिंह जी, तजिंदर सिंह जी, सॉरी, ये सारे मैंबर भी साढ़े नाल मौजूद ने। तो असी मैंबरां दा ते सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्हां ने साढ़े लिए अपना कीमती समा कढ़िया ते साढ़े नाल गलबात कर लगे ने अपने पिंड दे विकास दे बारे। तो असी इन्हां कोलों इन्हां दे पंजां सालां दे कीते विकास दे बारे जानकारी लवांगे। तो उस तो इलावा साडा जिहड़ा ये सर्वे 2022 दी इलैक्शन दे संबंध चल रहा है, उस संबंध भी आपां इन्हां नाल गलबात करांगे कि इन्हां दे की विचार ने। तो आओ हुण तुहाडे रूबरू कराउंदे आं आपां पिंड कीर्तनगढ़ तो मौजूदा सरपंच सरदार वीर सिंह जी। हाँ जी सर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छा सर, सब तो पहला तो आप गल करिए कि तुम अपने हल्के के MLA साहब बारे कुछ कहना चाहोगे। पहला तो धन्यवाद बादल सोनी साहब ओपी सोनी का करते हैं, फिर सू बहुत सारिया ग्रांटा दिखा ना, फिर विकास किया पिंड का, फिर जोड़े काम जो रुके रह के सारे करा के उन्होंने धन्यवाद कर। ठीक है जी। तो अच्छा सर, हुण आपां गल करिए कि आप जो सरपंच बने सी सरपंच साहब जी, तो उस टाइम पर जी अपनी शमशान घाट आदि कंडीशन किदा दी सी? सब तो पहला तो असीं पंजाब फोकस टीवी का बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सर, कि वो साढ़े पिंड कीर्तनगढ़ में आए हैं, क्योंकि एक छोटा जिहा पिंड आ, सेंट्रल किला पिंड आ, और इत्थे आके साडा बहुत बहुत माण कीता, असीं बहुत धन्यवाद करते हैं। सो गल करदे आं विकास की, कि इत्थे जदों अज तो 5 साल पहला जो कांग्रेस सरकार सत्ता दे विच आई आ, तो इत्थे काफ़ी शमशान घाट का बहुत खस्ता हाल सी, उत्थे कोई शैड नहीं सी, जां होर भी काफ़ी उत्थे काफ़ी लम उची उची घा और बूट बूटियां वगैरह हुई सी। सो उस टाइम पर असी सोनी साहब ने बेनती की कि सोनी साहब सानू वड्डी ग्रांट दी जाए। सो सोनी साहब सानू बहुत बहुत वड्डी ग्रांटा दित्तियां और पिंड का जो शमशान घाट अज बहुत वधिया बनिया। तो सर 10 साल अकाली सरकार रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया सर शमशान घाट? देखो जी, साढ़े पिंड कीर्तनगढ़ एक बहुत छोटा पिंड है जी, 717 कितने वोटा है, और 10 साल के जो पिछले काम बिल्कुल अगर आप ग्राफ देखिए 0 ग्राफ से इतने, क्योंकि इतने ना कोई कच्चे जोड़े रस्ते जो इतने कोई गली से सारिया टुटिया गलियां सी इतने, और पिंड कोई आंगनवाड़ी सेंटर नहीं, कोई जिम हाल नहीं, कोई ग्राउंड का वधिया इतने लैवल नहीं, कोई पानी का कोई वधिया लैवल नहीं, इतने काफ़ी खस्ता हाल सी पिंड की। ठीक है। सो उन्हें सारे कम हूँ आप गल। तो अच्छा सर, गंदे पानी का निकास किदा अपने पिंड? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गंदे पानी का सर निकास सरपंच साहब ने दस ही दिता भी कोई 3000 फुट के करीब अपना नाला बनाता, स्टार्टिंग तो लेके शुरू तो लेके पुट के उन्हें पूरा तसली बख्श बनाया उन्हें। अच्छा। तो बाकी साढ़े छप्पड़ का थोड़ा पानी जो जमा हो जाता वो निकास वास्ते सूँ एक दो होर ग्रांटा की लड़ है, जो कि सोनी साहब आने वाले फिर अपने अपने जिदा मान लो कि पिंड केंद्र वालों अपने स्कीम आई सी कैटल सैट की, तो वह अपने पिंड किन्ने कैटल सैट बने ने? 3 तो 4 तक बने, 10 पास कराए। अच्छा, 10 पास होए सी ते 3 तो 4 बने ने, ते बाकी जिहड़े ने ओ सारी दिन चलन डए काम। ठीक है। ते होर सर, जिदा मान लो कि पिंड कोई अपने गंदे पानी का निकास दस दिता उन्होंने, तो लाइटा का भी उन्होंने दस दिता है, स्कूल का भी दस दिता भाजी उन्होंने, तो अपने जिम का किदा जी, जिम अपने जिम का समान मिले अपन? जिम का समान नहीं जी मिलया, जिम हाल ही बनाया, जिम हाल बनाया, जिम का समान नहीं मिले, समान नहीं जी मिले। ठीक है। तो एक फ्लशा ने भी बनाती उन्होंने पैसे पाते। अच्छा, फ्लशा के पैसे भी पे ने? फ्लशा के पैसे पे, फ्लशा बनाई। अच्छा जी। तो कि फ्लशा बनिया सर पिंड? साढ़े जी तकरीबन 13 to 14 बनी जी। जो पुराने पैसे यूज़ कीतियां
ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 100% ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ 60% ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ। ਹਰ 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 ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੀਰਤਨਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 25-30 ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਲਾਗੇ ਭਾਜੀ, ਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ 4 ਗੇਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਵਾਸੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਹੀ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਨਿਕਾ। ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ BCA। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ BSF ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ? ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਆਈਦਾ, 6 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਅਤੇ